करेंगे अगली खबर का। इस वक्त की अगली खबर भी लखनऊ से है। दिल्ली में हुई घटना के बाद यूपी में अलर्ट जारी किया गया है। एडीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार का बयान, नोएडा पर भी भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। इलाकों में गश्त करने और पर्याप्त बल तैनात करने के निर्देश दिए गए हैं। असामाजिक तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। दिल्ली पुलिस के साथ रियल टाइम जानकारी साझा कर रहे हैं। लोग सतर्कता बरतें और भ्रमणशील रहें। तो दिल्ली में हुई घटना के बाद यूपी में भी अलर्ट जारी किया गया है। एडीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार का बयान, नोएडा में भी भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। इलाकों में गश्त करने और पर्याप्त बल तैनात करने के निर्देश दिए हैं। हनुमान जयंती के बारे में पूर्व में ही सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए थे। बीते दिनों रामनवमी और अंबेडकर जयंती, महावीर जयंती तथा गुड फ्राइडे इत्यादि पर्व बहुत ही सकुशल तरीके से लोगों के सहयोग से आपसी भाईचारा के साथ मनाया गया था। आज जैसे ही ये दिल्ली में घटना हुई है, शासन के द्वारा तथा पुलिस मुख्यालय के द्वारा सभी हमारे जो फील्ड के अधिकारी हैं उनको ये निर्देश दिए गए हैं कि लोग तत्काल अपने क्षेत्र में भ्रमणशील हो जाएं तथा आसूचना संकलन के कार्य में भी तेजी लाएं। इसके साथ ही साथ लोग पेट्रोलिंग करें और संवेदनशील जगहों पर आवश्यक पुलिस व्यवस्थापन करें और पीएसी का भी व्यवस्थापन करें, विशेषकर जो हमारे दिल्ली से सटे इलाके हैं। दिल्ली पुलिस के साथ हमारा लगातार रियल टाइम इन्फॉर्मेशन शेयरिंग चल रहा है और हमारे अधिकारी उनसे संपर्क में हैं। गाजियाबाद पुलिस, बागपत की पुलिस तथा मेरठ जोन के वरिष्ठ अधिकारी लगातार भ्रमणशील हैं और इसके अतिरिक्त पूरे प्रदेश में सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही साथ ये भी यहाँ कहना आवश्यक होगा कि किसी भी तरीके से यहाँ कोई डिस्टर्बेंस होने नहीं दिया जाएगा और उपद्रवी तत्वों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई के निर्देश शासन के द्वारा दिए गए। सर, ऐसी अगर कोई घटना होती है तो उसके बाद देखा जाता है कि सोशल मीडिया पे कई लोग और खास करके एंटी सोशल एलिमेंट बहुत एक्टिव हो जाते हैं, जगह जगह पे अफवाह फैलाते हैं या और जो उन्माद फैलाने की उनकी कोशिश रहती है, तो सोशल मीडिया मॉनिटरिंग किस तरह से करी जाएगी? सोशल मीडिया मॉनिटरिंग हमारी पूरी 24 घंटे यहाँ चलती रहती है। कोई भी गलत सूचना जैसे ही आता है हम फैक्ट चेक हैंडल से उसको डिनाई करते हैं और ऐसे लोग जो कि रूमर फैलाते हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई भी करते हैं। तो हमारी सोशल मीडिया टीम भी लगातार अलर्ट मोड में है और हम लोग चीज़ों को देख रहे हैं। हनुमान जयंती